शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ में। और बड़ी खबर यह है कि दिल्ली यूपी में अगले 2 दिन तक बारिश से कोई निजात नहीं मिलने वाली है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया, तेज हवाओं के साथ में ओला गिरने की चेतावनी दी है। आगरा समेत 52 जिलों में बारिश की संभावना है। 7 फरवरी से बर्फीली हवाएं चलने की आशंका है। तेज हवाओं के साथ में ओला गिरने की चेतावनी मौसम विभाग ने दी है, यानी ना सिर्फ बारिश होगी बल्कि तेज हवाओं के साथ में ओले अगर पड़ जाते हैं तो ठंड और ज्यादा बढ़ने वाली है। अगले 2 दिन तक दिल्ली में हाड़ कपा देने वाली सर्दी का सामना करना होगा। दिल्ली यूपी में अगले दिन ओले भी गिर सकते हैं। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया, यूपी में बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट जारी। और दिल्ली एनसीआर में फिर से लौटेगी ठंड, पहाड़ों पर बर्फबारी से ठंड बढ़ने वाली है। लगातार हो रही बारिश से पारा जो है वो लुढ़क गया है। 5 और 6 फरवरी को कोहरे की वापसी होगी, मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। लगातार हो रही बारिश से पारा लुढ़का है। हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड में हिमपात हो चुका है और 5-6 फरवरी को कोहरे की भी वापसी होगी, यानी अभी तो बारिश हो रही है और अब कोहरे की वापसी होगी, मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। 5 और 6 तारीख में कोहरा होगा, दिल्ली एनसीआर में फिर से लौटेगी ठंड। और पंजाब हरियाणा में भी बदला है मौसम का मिजाज, तेज बारिश और आंधी के साथ सुबह की शुरुआत। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है, ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा के 11 जिलों में बारिश का अलर्ट है, 2 दिनों तक बारिश की आशंका है। तेज बारिश और आंधी के साथ सुबह की शुरुआत, पंजाब हरियाणा में बदला मौसम का मिजाज, तेज बारिश और आंधी के साथ सुबह की शुरुआत हुई। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है, ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। और वही हरियाणा के भी 11 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी हुआ है। उत्तर प्रदेश और दिल्ली के अलावा हरियाणा पंजाब में भी मौसम का मिजाज बदल चुका है। पंजाब हरियाणा में मौसम का मिजाज बदला, तेज हवाएं चल रही हैं, बारिश हो रही है, आंधी के साथ में सुबह की शुरुआत हुई। ये तस्वीरें भी आपके सामने हैं, बारिश कल वहां भी हुई, यूपी दिल्ली हरियाणा पंजाब में बारिश। और अब देश के अलग अलग हिस्सों में इस वक्त अलग अलग तरह का मौसम नजर आ रहा है, यही तो मौसम का जादू है। पहाड़ों पर एक तरफ जहां बर्फबारी हो रही, तो वहीं हिमाचल जम्मू कश्मीर उत्तराखंड के पहाड़ी इलाके, ये देखिए तस्वीरें जहां पर आपको नजर आएगी बर्फबारी। और वहीं दिल्ली यूपी में बारिश हो रही है, अगले 2 दिनों तक संभव है कि बारिश और होगी। वहीं पूर्वोत्तर की अगर बात करते हैं तो पूर्वोत्तर में ठंड और कोहरा इस वक्त देखा जा रहा है। 3 तस्वीरें अब आपके सामने, इन 3 तस्वीरों में आप देखिए किस तरीके से ये मौसम का जादू है कि पूरे देश भर में अलग 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 तस्वीरें हैं। पूर्वोत्तर में ठंड और कोहरा बढ़ रहा है, उत्तर प्रदेश में दिल्ली में इस वक्त बारिश हो रही है झमाझम, वहीं बर्फबारी हो रही है पहाड़ों पर। आप चाहे आप हिमाचल की बात करें, चाहे उत्तराखंड की बात करें, और चाहे आप बात करें जम्मू कश्मीर की, तो आप जिन राज्यों की तरफ तस्वीर देख रहे हैं, हिमाचल उत्तराखंड, वहाँ पर भयंकर बर्फबारी इस वक्त हो रही है। पेड़ भी आप देखिए किस तरह से पूरा बर्फबारी से ढके हुए हैं, सब कुछ सफ़ेदी चारों तरफ जो बर्फ़ की है उसने ढक लिया है, सब कुछ ढक चुका है। और इस बीच लगातार जो सेवाएं हैं वो प्रभावित हो रही हैं ख़राब मौसम से, विमान सेवा प्रभावित हो रही है, इंटरनेशनल डोमेस्टिक फ़्लाइट्स पर असर हो रहा है। XY330 दिल्ली से रियाद फ़्लाइट जो है वो करीबन 4 घंटे लेट है, इसी कारण से दिल्ली से जो लंदन की फ़्लाइट है वो करीबन 3 घंटे लेट हो गई है। दिल्ली से जो वडोदरा की जो फ़्लाइट है वो करीबन 1.5 घंटे लेट चल रही है। ऐसे ही और कई जो फ़्लाइट्स हैं वो डिले हो गई हैं। तो आप अगर जा रहे हैं बाहर तो अपना फ़्लाइट का जो शेड्यूल है ज़रूर चेक कर लीजिएगा, क्योंकि फ़्लाइट शेड्यूल इस वक्त थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ है और आगे पीछे हो गई हैं फ़्लाइट की टाइमिंग्स, कहीं तो फ़्लाइट 3-3 घंटे भी लेट चल रही हैं। तो यातायात जो है इस वक्त प्रभावित हो रहा है, विमान सेवा प्रभावित हो रही है, रेलवे सेवा प्रभावित हो रही है। दिल्ली से लखनऊ की जो फ़्लाइट है वो करीबन 1 घंटा लेट चल रही है, दिल्ली से रियाद की फ़्लाइट भी लेट है, दिल्ली से कुल्लू की फ़्लाइट भी करीबन 1 घंटा लेट चल रही है इसी कोहरे के कारण, बारिश के कारण। और वहीं दिल्ली से पोर्ट ब्लेयर की जो फ़्लाइट है वो 2 घंटा डिले चल रही है। दिल्ली से रियाद की जो फ़्लाइट है वो करीबन 4 घंटा लेट चल रही है, दिल्ली से लंदन की फ़्लाइट भी जो है 3 घंटे के लिए डिले है। और वहीं दूसरी ओर जम्मू कश्मीर में लंबे इंतज़ार के बाद आखिरकार बर्फबारी का दौर शुरू हुआ
और वो थमने का नाम नहीं ले रहा। सैलानी और स्थानीय कारोबारी इससे खुश हैं। हालांकि फरवरी में मौसम की करवट वैज्ञानिकों की चिंता को बढ़ा रही है। कश्मीर के लांडू में सबसे ज़्यादा 0 से 17 डिग्री नीचे का तापमान दर्ज हुआ है। फिलहाल तस्वीरें देखिए, ये पुंछ की, डोडा की, रजौरी की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहाँ पर चारों तरफ सफ़ेदी नज़र आ रही है। सैलानियों के चेहरे खिले हुए हैं क्योंकि लोग आमतौर पर पहाड़ों पर जाते हैं कि वो बर्फबारी का लुत्फ उठा पाएँ, और इस वक्त बर्फबारी का लुत्फ लोग उठा पा रहे हैं। सैयद तजमुल मेरे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त, सैयद तजमुल का रुख करते हुए श्रीनगर। सैयद तजमुल, अक्षर आज दिल्ली से हमारे साथ जल्दी होंगे और बाकी के मेरे सहयोगी भी हमारे साथ में जुड़ेंगे, लेकिन सैयद तजमुल आपका रुख करते हुए, हम कई दफ़ा इसको लेकर आपसे खबर ले रहे थे कि वहाँ पर अब बर्फबारी शुरू हुई कि नहीं, लेकिन अब बर्फबारी शुरू हो चुकी है। बर्फबारी के बाद सैलानियों के चेहरे खिल चुके हैं। क्या ये मानकर चले कि आने वाले दिनों में सैलानियों की जो तादाद है उसमें इजाफा होगा, क्योंकि इससे पहले ठंडा पड़ा हुआ था पूरा का पूरा वहाँ का बाजार? पूजा बिल्कुल सही है, लेकिन श्रीनगर एयरपोर्ट से अच्छी खबर नहीं है। तमाम की तमाम फ्लाइट्स अभी तक जो है कैंसिल। और एक सेकंड, सैयद तजमुल जहां पर इस वक्त है बर्फबारी हो रही है और बर्फबारी में खड़े होकर सैयद तजमुल इस वक्त लाइव दे रहे हैं। सैयद तजमुल बिल्कुल पूजा, सबसे बड़ी बात यह है कि श्रीनगर में बिलाखिर जो है बर्फबारी शुरू हो चुकी है, और इस वक्त जो तस्वीरें हैं ये रात के दौरान भी बर्फबारी हुई, अभी तक रुकने का नाम नहीं ले रही है। और जो बर्फबारी इस वक्त हो रही है इसमें श्रीनगर में 3 से 4 इंच, जबकि गुलमर्ग, पहलगाम और गांव देहात कस्बों में जो है तकरीबन 2 फुट 3 फुट बर्फ़ रिकॉर्ड की गई, और जिस घड़ी का इंतज़ार था वो घड़ी आ ही गई और आज बर्फबारी जमकर हो रही है। लेकिन इस बर्फबारी की वजह से चूंकि इस वक्त अपने घरों से बाहर निकलना नामुमकिन है, क्योंकि रोड पे फिसलन है और गाड़ी को घर से बाहर लाना बड़ा मुश्किल होगा, यानी चार दीवारी के अंदर ये जो बर्फ इस वक्त पड़ रही है इसके गालिबन कई एक असरात भी है। लेकिन श्रीनगर एयरपोर्ट से तमाम फ्लाइट जो है अभी तक कैंसिल हैं, और आने वाले वक्त में जो फ्लाइट रिशेड्यूल की गई है कोई 6 घंटे 5 घंटे की डिले से चल रहा है। लेकिन कुल मिलाकर बर्फबारी की वजह से इस वक्त श्रीनगर एयरपोर्ट बिल्कुल फ्रीज है और गाड़ियों की मूवमेंट और एयर ट्रैफिक की मूवमेंट बिल्कुल बंद है। लेकिन दूसरी तरफ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में बारामूला, बांडीपोरा, शुपियन, कुपवारा, त्राल, अनंतनाग, इन कस्बों में 3 से 4 फुट बर्फ रिकॉर्ड की गई। श्रीनगर में अभी तक 5 इंच के करीब बर्फ रिकॉर्ड की गई। और दूसरी तरफ जो नेशनल हाईवे है, श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे वाहिद लाइफलाइन मुल्क के साथ जुड़ने का है, वो बंद पड़ा है शेर बीबी के मकाम पर, खूनी नाले के मकाम पर, जो कि फिसलन है, बर्फी बर्फ पड़ रही है, और इसके अलावा बारिशें हो रही है जिसकी वजह से जो रोड कनेक्टिविटी है ट्रैफिक की वो बंद है, एयर कनेक्टिविटी जो ट्रैफिक की है वो मुकम्मल तौर पर बंद है। इस बर्फबारी के बीच में आप जम्मू कश्मीर में सैलानी या पर्यटक जो है वो काफी खुश तो हैं, डल झील के आसपास, गुलमर्ग, डंगमर्ग और बाकी जगहों पर इस वक्त स्नो क्लियरेंस का प्रोग्राम जो एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन का है वो जारी है। जिस तरह से डंगमर्ग गुलमर्ग जाने के लिए सयाहों को आना जाना है वहां पर ट्रैफिक जो है मैन एट बेशन जो है, क्या सलाह देंगे जल्दी से जम्मू जो लोग आने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि फ्लाइट्स कैंसिल हो रही हैं, ट्रेन भी काफी ज्यादा डिले चल रही है, और बाय रोड आप बता रहे हैं कि वहां पर भी काफी सारा जो रूट है वो ब्लॉक हो गया है, तो क्या सलाह देंगे आप अभी जो सैलानी वहां पर आने के बारे में सोच रहे हैं, क्या उनके लिए ऑप्शन है? देखिए पूजा, ऑप्शन बिल्कुल लिमिटेड है, जो सैलानी यहाँ पे हैं वो हैं, लेकिन जो सैलानी बाहर से यहाँ आना चाहते हैं उनके लिए नामुमकिन है, क्योंकि रोड कनेक्टिविटी नहीं है, एयर फ्लाइट का जो प्रोग्राम है वो बिल्कुल रिशेड्यूल होते होते तकरीबन मुझे लगता है कि आज दोपहर के बाद पता चलेगा, शायद तमाम की तमाम फ्लाइट कैंसिल हो जाएंगी। लेकिन जो सैलानी जम्मू कश्मीर में है, घाटी में है, और एक बड़ी खुशखबरी ये दे दूं कि जहाँ बर्फबारी हुई अब खेलो इंडिया के जो कार्यक्रम है वो गुलमर्ग में शेड्यूल के मुताबिक 21 से 26 फरवरी के बीच में होंगे, और ये जो बर्फ पड़ी हुई है इसकी तह काफी मोटी है, हालांकि चलाई कलान खत्म हुआ लेकिन ऐसा लग रहा है कि विंटर शेड्यूल जो है वो इसका जो स्नो स्पेल है वो रिशेड्यूल हो गया है। जो स्नो जनवरी में पड़नी चाहिए थी बहुत ज्यादा वो इस वक्त फरवरी के पहले हफ्ते में पड़ रही है, और मार्च से पहले पहले ये बर्फ अगर जमा हो गई तो इसका गालिबन ये मतलब कि आने वाले वक्त में हमारा हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर और टूरिज्म जो होगा वो बड़े पीक पे चलेगा। लेकिन वाटर रिसोर्स लिमिटेड ना हो जाए जिसकी वजह से इस बर्फ की काफी ज्यादा जरूरत थी। कुल मिलाकर श्रीनगर और विभिन्न जिलों में इस वक्त जो है बर्फबारी जमकर हो रही है। और ठीक है, तो जम्मू में आपके पास वापस लौटू।